आपने शायद ये नाम सुना भी नहीं होगा। महज 4वीं कक्षा तक पढ़ाई, 13 साल की छोटी सी उम्र में शादी हो गई। महज 3 साल के भीतर पति का निधन हो गया। पति का निधन हुआ तो ससुराल ने ठुकरा दिया, मायके ने भी अपनाया नहीं। वो छोटी सी बच्ची जिंदगी की तन्हाइयों से संघर्ष करती रही और जिंदगी की चुनौतियों से लड़ती रही। वो 19 साल की थी तब कुछ ऐसा हुआ कि वो कुमाऊं में आजादी के आंदोलन की नजीर बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिश्नी देवी शाह की। वो नाम जो इतिहास के पन्नों में दर्ज ना हो सका, लेकिन उन्होंने देश के खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगाया। 12 अक्टूबर 1902 को बागेश्वर में बिश्नी देवी शाह का जन्म हुआ। उस समय कुमाऊं में भी आजादी के आंदोलन की अलख जग चुकी थी। छोटी बिश्नी 13 साल की हुई तो उसकी शादी करा दी गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 3 साल बाद ही पति का निधन हो गया। उत्तराखंड में इस दौर में पति का निधन होने का मतलब था कि महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। ऐसी महिलाएं सन्यासिनी बन जाती थी, इन्हें माई कहकर बुलाया जाता था। बिश्नी देवी सन्यासिनी बनने के लिए पैदा नहीं हुई थी। अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में आए दिन अंग्रेजों के अत्याचार को खत्म करने के लिए बैठकें हुआ करती थी। 1919 में पूरे देश में रॉलट एक्ट का विरोध शुरू हो गया। इसी बीच महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में कुमाऊं परिषद ने कुमाऊं में रैली निकाली, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। कुछ साल बाद 14 जून 1929 को महात्मा गांधी ने नैनीताल में एक सभा को संबोधित किया। उनके आगमन पर पहली बार महिलाएं जुलूस और सभा में शामिल हुई। महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के प्रेरित करने पर महिलाएं भी आजादी की लड़ाई में कूद गईं। बिश्नी देवी शाह भी इन्हीं में से एक थीं। गांधी जी की प्रेरणा से बिश्नी देवी ने स्वदेशी का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन की इस लड़ाई में बिश्नी देवी को दिसंबर 1930 में जेल भेजा गया। जेल में काफी यातनाएं भुगतनी पड़ी, लेकिन उनका एक ही नारा था, जेल ना समझो बिरादर, जेल जाने के लिए, यह कृष्ण का मंदिर है प्रसाद पाने के लिए। बिश्नी देवी उत्तराखंड की पहली महिला थी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। जेल से छूटने के बाद भी वह आंदोलन से दूर नहीं हुई। गांधी जी ने चरखा कथने का काम सबको सिखाया था। बिश्नी देवी ने उस समय 10 रुपए का मिलने वाला चरखा 5-5 रुपए में घर घर बांटा। बिश्नी देवी शाह ने कुमाऊं में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 2 नाली जमीन और अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। वह आंदोलनकारियों के बीच संपर्क सूत्र का भी काम करती थी। बिश्नी देवी को फिर 7 जुलाई 1933 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 9 महीने की सजा हुई और 200 का भारी भरकम जुर्माना भी लगा। वो पैसे नहीं भर पाई तो सजा और बढ़ा दी गई। जब वो जेल से निकली तो फिर से स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गई और आखिर तक आजादी के आंदोलन से जुड़ी रही। 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले पर तिरंगा फहराया गया तो अल्मोड़ा में एक शोभा यात्रा की अगुवाई कर रही थी बिश्नी देवी। उनके हाथ में तिरंगा था और चेहरे पर मुस्कान थी। देश के लिए अपने सर्वस्व दान करने वाली बिश्नी देवी शाह का आखिरी समय काफी मुश्किलों से गुजरा। उनका अपना कोई न था। 1974 में 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। 10 अक्टूबर 1930 को दैनिक अमृत बाजार पत्रिका ने उनकी कार्यकुशलता के बारे में लिखा। समस्त उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और नैनीताल आगे आए, विशेषकर अल्मोड़ा। उसमें बिश्नी देवी की भूमिका सर्वप्रथम है। बिश्नी देवी अदम्य उत्साह और साहस से युक्त महिला हैं। अपने वैधव्य की रिक्तता को उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर पूरा कर दिया। बिश्नी देवी को सत सत नमन।